अभी तय कर लो, दो दो हजार में तमाम तय हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई मंत्रियों की बैठक के बाद अब मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं कार्यों की समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा विभाग के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान कर रहे हैं ये बैठक। जिले व मंडल के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं ये बैठक। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय सभागार में मंत्री राकेश सचान के साथ अपर मुख्य सचिव MSME आलोक कुमार, सचिव प्रांजल यादव, निदेशक इंडस्ट्री राजेश कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित हैं। इस मौके पर मंत्री राकेश सचान ने कहा कि लोकसभा चुनाव की वजह से लंबे समय तक बैठक नहीं हो पाई थी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो बड़ा निवेश हुआ था उसको धरातल पर उतरने के लिए जो काम रुके थे उसको अब पूरा किया जाएगा। दिन बाद चुनाव के बाद सभी अधिकारी भी व्यस्त रहे, हम लोग भी पूरे प्रदेश में व्यस्त रहे, तो चुनाव के बाद विभागीय कार्यों की समीक्षा, और चूंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का कार्यक्रम भी हुआ था जिसमें 10 लाख करोड़ के अधिक के प्रस्ताव ग्राउंड में उतारे गए, तो हमारे जिला उद्योग के सभी प्रदेश के जितने कार्यालय सारे लोग जुड़े हैं, तो सभी अधिकारियों से भी चर्चा है। लैंड बैंक तैयार करना, तमाम सारे जो हमारे औद्योगिक स्थान हैं उनमें जो अभी तक लोगों ने ज़मीन लेके बैठे हुए हैं, अभी तक उन्होंने अपना कार्य नहीं शुरू किया, ऐसे लोगों को चिन्हित करना और जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्राथमिकता देना। प्लज पार्क की स्कीम भी हमारी चल रही, 11 प्लज पार्क हमारे स्वीकृत हैं, कई पाइपलाइन में हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और उनका निर्देश भी है कि हमारे जो जिला उद्योग के दफ्तर हैं उनका कायाकल्प हो और अच्छे, कहीं कहीं कोई दिक्कत है अच्छे कार्यालय बने, ताकि हमारे प्रदेश में पूरे देश के इन्वेस्टर समिट की बैठक में 40 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में मिले हैं, और वो प्रस्ताव जब जनपद में हमारे उद्यमी जाते हैं तो सबसे पहले जिला उद्योग कार्यालय ही जाते हैं, तो वहाँ का सब तरह की व्यवस्था ठीक हो, इसी सब मुद्दों पर और सारे मुद्दे हैं उन पर चर्चा आज हमें अपने सभी अधिकारियों के साथ करनी है। और आगे ये वित्तीय बजट शुरुआत हो रहा है, तमाम सारी हमारी योजनाएं हैं, हम लोग वैसे भी 80 दिन लगभग पिछड़ गए हैं, कैसे तेज़ी से इन योजनाओं को आगे हम लोग ले जाएं। जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, 75,000 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, टूल किट देते हैं, रोजगार से जोड़ते हैं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक युवा उद्यमी अभियान एक योजना अभी हम लोगों ने चलाई है जिस पर भी चर्चा होनी है, जिस पर 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के ये सरकार देगी, जिससे तमाम हमारे युवा लोग हैं जिनको 1 लाख का टारगेट है कि 1 लाख लोगों को हम लोग इस योजना से जोड़ेंगे, और जो नियमित ढंग से बैंक के साथ जुड़ेंगे और नियमित किस्त जमा करेंगे उनको 7.5 लाख और 10 लाख, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं। और रोजगार परक MSME एक ऐसा विभाग है जिसमें रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं, 96 लाख हमारी इकाइयां हैं, उनको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस तरह से तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होगी। हमारे सारे प्रमुख सचिव आलोक जी भी हैं, हमारे राजेश जी हैं, और सारे हमारे प्रांजल यादव जी सभी अधिकारी हैं, सभी जिले के अधिकारी जुड़े हुए हैं। तो यही है, आज मीटिंग है, बहुत दिन बाद 3 महीने बाद आज ये मीटिंग हो रही है, और आगे हर माह मीटिंग होगी और समीक्षा होगी कि हम अपने काम को और अच्छा करें और जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचें, किसी उद्यमी को किसी तरह की हमारे उत्तर प्रदेश में कोई परेशानी ना हो उद्यम लगाने में, और यहाँ उसको आकर के किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसको भी आप लोग शुरू कर देंगे, इसको प्रारंभ कर देंगे?
देखिए, इस ओर हमारी सरकार लगातार योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और अभी बैठक भी हुई थी परसों के दिन और उस पर बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं और उसी ओर सरकार बढ़ रही है और विशेषकर MSME का भी बहुत बड़ा रोल उस पर है कि हम लैंड बैंक तैयार करें और तमाम तरीके से जो हमारे MSME के उत्पाद हैं वो ऑनलाइन बिकें, जो ODOP के हमारे उत्पाद हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो सकता है उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम करें। तो इससे इस पर हम काम भी कर रहे हैं और समीक्षा करके और आगे काम करेंगे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।